हेलो दोस्तों, इंडिया गार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 26 अक्टूबर 2023 से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर जितने भी बनते हैं उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एटकल गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला केरल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। केरल पर्यटन बोर्ड में वायनाड में एटकल गुफाओं के आसपास नागरिकों की सुविधा में सुधार के लिए 2.9 करोड़ की परियोजना शुरू की है। कितने करोड़ की है? तो 2.9 करोड़ की परियोजना शुरू की है, जो नागरिक की सुविधा प्रदान करने के लिए यहां शुरू की गई है। एटकल गुफाएं अम्बुकुथी पहाड़ों पर स्थित है। कौन से पहाड़ पर स्थित है? वे पारंपरिक गुफा नहीं है बल्कि एक प्रागैतिहासिक चट्टान आश्रय का एक हिस्सा है, जो दो बड़े पत्थरों के बीच में विशाल शिला खंड से बनी हुई है। आप इसको स्पष्ट देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। एटकल का अर्थ होता है बीच में एक पत्थर है, ठीक है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। चलिए आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रजत। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। प्राची यादव ने एशियाई पैरा खेलों में पैरा कैनोइंग में रजत पदक जीता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन में हंगझू में एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पैरा केनोइंग महिला VL2 फाइनल में रजत पदक जीतने पर प्राची यादव को बधाई दी, ठीक है दोस्तों। किसने बधाई दी? तो हमारे प्रधानमंत्री ने। प्राची यादव एक भारतीय पैरा केनो एथलेटिक है। उन्होंने 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में भाग लिया था। उन्होंने 2022 में पैरालिक विश्व कप में कांस्य पदक जीता था। वह मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इतिहास दिवस मनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 25 अक्टूबर को इतिहास दिवस मनाया गया। स्पष्टीकरण देखते हैं। 1415 हेनरी वी के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने 9 साल के युद्ध के दौरान एंगलिंग कोट की लड़ाई में फ्रांसीसियों को हराया। 1936 में जर्मनी और इटली ने रोम बर्लिन धुरी की स्थापना की। 1940 में अमेरिका सैन्य अधिकारी बेलाजिन ओ डेविस सीनियर अमेरिका सेना से पहले अफ्रीकी अमेरिका जनरल बनने और उन्हें ब्रिगेडियर जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया था। 1955 पहले घरेलू माइक्रोवेव ओवन की बिक्री शुरू हुई थी। जो इंडियंस हिस्ट्री डे है कब मनाया गया? तो 25 अक्टूबर को हिस्ट्री डे मनाया गया। इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश के सबसे बड़ी कन्या पूजा का आयोजन किया गया, तो इन चारों राज्यों में से किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, उत्तर प्रदेश में किया गया है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। कोड़ा ने रचा इतिहास में देश की पहली बड़ी कन्या पूजा का आयोजन। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन समारोह शक्ति वंदना आयोजित किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न विकासखंडों से विभिन्न वर्गों की 11,880 बेटियों का कन्या पूजन मुख्यमंत्री के मिशन शक्ति अभियान की दिशा में एक और लक्ष्य स्थापित किया गया। जिले में 9 महिलाओं को 9 देवी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यहाँ किस राज्य में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भीषण
सिंह बेदी का निधन हुआ वहाँ कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वहाँ एक क्रिकेटर था। चलिए क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। भारत के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी 1966 से 1979 तक भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान वह क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन स्पिनर गेंदबाजों में से एक बनकर उभरे। उन्होंने 1970 में पद्मश्री और 2004 में सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने शानदार करियर में उन्होंने 67 टेस्ट मैचों में 266 विकेट हासिल किए, यहाँ बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है जिसके हाल ही में इसका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार किसी महिला द्वारा तीर चलाकर रावण दहन किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कंगना रनावत। चलिए क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। कंगना रनौत रावण दहन करने वाली पहली महिला बनी है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने दशहरे के अवसर पर नई दिल्ली की प्रसिद्ध लव कुश रामलीला की रावण दहन किया। लाल किले पर हर साल आयोजित होने वाली इस आयोजन के 50 साल के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी महिला ने तीर चलाकर राक्षस राजा के पुतले को आग लगा दी, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। यह एक एक्ट्रेस है दोस्तों, और इसी महिला के द्वारा लाल किले पर जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रावण दहन किया गया, तो ये पहली बार महिला के द्वारा किया गया। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि इस मेरे वीडियो से आप यदि आपको हेल्पफुल हुआ तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।